नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्कियोलॉज इंडिया चैनल पर। तो आज हम आए हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर। लगभग 3000 साल पुरानी ये जगह है। ये देखिए, ये काफी पुरानी, लगभग 2200 साल पुराने ये ईंटें हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आज क्या मिलेगा। यहाँ पर मेटल डिटेक्टिंग करेंगे। ये काफी पुरानी जगह है, ऐतिहासिक है काफी। 3000 साल पहले यहाँ पर एक गांव हुआ करता था। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से। अच्छा सिग्नल है काफी। लोहा नहीं है, देखते हैं क्या है। मिट्टी काफी मजबूत है भाइयों। मेरे पास अभी खोदने के लिए और औजार भी नहीं है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। काफी मेहनत है इस लाइन में। अगर आप आना चाहते हो तो सोच समझ कर आइएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको। ये देखिए, फाइनली एक सिक्का मिला है। ये देखिए, चलो घर जाके देखते हैं साफ करके। ये देखिए दोस्तों, हमें अभी तक सोना चांदी तो नहीं मिला, लेकिन ये खोपड़ी जरूर मिल गई है। ये बताइएगा आप किस चीज की खोपड़ी है, जानवर की है किसी इंसान की है। ये देखते हैं क्या यहाँ पर। ओह माय गॉड, ये देखिए दोस्तों, अंगूठी मिली है। किसी की अंगूठी है। ये मुझे लगता है चांदी की अंगूठी है भाई। चलो फाइनली हमारी मेहनत सफल हुई। ये देखिए चांदी की अंगूठी है। देखिए, चलिए आगे देखते हैं क्या मिलता है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल है दोस्तों, देखते हैं क्या है। ये देखिए क्या मिला है। तो दोस्तों, ये है चांदी का तबीज। पुराने जमाने का चांदी का तबीज मिला है हमें। एक और एक अंगूठी मिली थी, तो फाइनली हमें दो चांदी की, एक अंगूठी और एक तबीज चांदी का मिल चुका है। देखिए यहाँ पर और भी सामान है दोस्तों। देखिए, उस ताबीज के अलावा भी सामान है कुछ, देखते हैं क्या है। ओह ये देखिए, ये भी काफी पुराना है। ये भी मुझे लगता है चांदी का ही है। हाँ ये,
ओह माय गॉड, ये देखिए चांदी का, ये भी तो। आज का दिन तो वाकई में बहुत अच्छा था। ये देखिए कितना पुराना है। तो फाइनली हमें तीन सामान मिल चुके हैं चांदी के। ये देखिए दोस्तों कितना दान पुण्य भी करते हैं लोग यहाँ। बंदरों के खाने के लिए देसी घी के लड्डू, केले, बहुत सारा सामान पड़ा है यहाँ। ये देखिए ये हमारी मशीन है, नोक्टा मैक्रो सिंप्लेक्स प्लस, बेहतरीन मशीन। तो मेटल डिटेक्टर के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।